इवनिंग तो है नहीं अभी, गुड नाइट बोल सकता हूँ मैं आपको। आज की तारीख है 1 अक्टूबर और हम लोग जा रहे हैं तीनों जन, देशपांडे जी, मैं और सागर वो, हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। वैसे तो हम लोग पहले अभी ओमकारेश्वर जो भी हमारा रूट रहेगा, वैसे हम लोग अभी नागपुर से निकल रहे हैं। अभी घर से सब हमारा जो पैकिंग वैकिंग था, एक्चुअली पैकिंग का मैंने व्लॉगिंग किया नहीं कुछ, बट जो भी है कि अभी मैंने टाइम पे प्लान हुआ है ऐसा ही बोल सकते हो, कि अभी तक का कुछ भी प्लानिंग नहीं था, यानी कोई रेडी था कोई रेडी नहीं था, ऐसा बोल सकते हैं कि अपन सडनली एकदम से अपन निकल रहे हैं अभी उज्जैन के लिए। तो 1 अक्टूबर है, सो वेलकम बैक टू द गाइस। तो जो भी जर्नी रहेंगी आपको दिखाता हूँ। तो अभी ऐसे अपन जो भी रहेगा ना, खाना वाना जो भी अभी तो कोराडी के बाद में खाएंगे, क्योंकि खाना तो अपन ने खाया नहीं है। पैकिंग जो था अपना, बैग्स वगैरह सब अपन ने डिक्की में रख के अपन सब निकल रहे अभी। तो चलते, चलो विष्णु भगवान। हाँ विष्णु तो त्यांच्या घरी खूप करावं लागते। अच्छा, हमारे घर पे तुझा भवानी है हमारे। तुम वीडियो शूट कर रहे हो कि फोटो निकाल? वीडियो। अरे तो बड़बड़ भी चल रही ना मेरी। तो बंद करूंगा ना मैं उसको, म्यूट करूंगा ना। कर दे। तो ऐसा ना कि अपन है ना अभी सावनर के पहले रुके हैं, तो सावनर के पहले ना अपन ढाबे पे खाना वाना खा लेते, और खाना खा के ना कैसा ना रात में कोई आगे में ढाबा मिलता है नहीं मिलता है तो अपने को कन्फर्मेशन है नहीं, तो यहाँ से अपन खाना वाना खाते हैं। और जहाँ भी जर्नी रहेगी कि रात में ना अपने को कुछ मिलने वाला है नहीं, तो एक ढाबा है सावनर के बाद में, तो सावनर के बाद में अपन रुके हैं अभी, खाना खाते हैं और ये ढाबा है। तो यहाँ पे गाड़ी रुकी है अपनी, और ऐसा ना कि वैसे भी देशपांडे जी है गाड़ी चलाने के लिए, देशपांडे जी गाड़ी चलाएंगे या फिर मैं चलाऊंगा, तो जो भी चलाएगा वो चलाएगा, उसके बाद में सो जाएंगे अपन। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट ओमकारेश्वर जाने वाले हैं, तो ओमकारेश्वर के पहले जो भी जर्नी रहने वाली है वो आपको बताने वाला हूँ मैं। और अभी यहाँ से खाना खा के निकलते अपन, है ना। खाना कैसा? खाना? हाँ? खाना बोला अपन ने, ये गाड़ी आलू बैंगन घर का ही अपना, ये रोटी घर की अपनी। हाँ फोकस, हाँ फोकस होगा, टेस्ट एक नंबर। जो बैंगन की नहीं, अपनी कौन सी सब्जी बोला अपने? तंदूरी रोटी के साथ में इसका लाजवाब टेस्टिंग करें। एक नंबर टेस्ट है, गरम गरम। गुरुजी टेस्ट एक नंबर। चाहता दाल बंद हो जाए, बहुत मजा आएगा। टेस्ट ना एक नंबर है। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के कितने बजे था दादा? 5:15 बज रहे हैं, और हम लोग अभी मिनिमम 125 किलोमीटर बचा है अभी। और मैंने अभी गाड़ी ले लिया मेरे हाथ में, रात में तो मैं सो गया था, बट अभी सागर भाऊ और देशपांडे जी सोएंगे, और बाकी जो गाड़ी है देशपांडे जी देख सकते हो पीछे में सोए। अभी मैंने ले लिया, अभी बस जस्ट 2-3 किलोमीटर पहले ही मैंने गाड़ी हाथ में लिया है। अभी सागर भाऊ भी सोएंगे, बाकी रोड का तो कोई टेंशन नहीं है, रोड एकदम टनाटन था पहले से ही। मैं सोया था तो मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है कि रोड कैसा था क्या था, बट रोड सही था, रोड चांगला था ना। मतलब
बीच बीच में खराब है, बट ज्यादा भी खराब नहीं है, बस एक दो पैचेस ऐसे आ रहे हैं कि जहाँ पे रोड खराब है, बट रोड एकदम बढ़िया है और कोर जंगल से ही चल रहा है रोड, यानी सिंगल रोड है ऐसा देख सकते हो आप, बट इतना भी खराब नहीं है रोड, ऐसे सिंगल ही रोड है, बस कंटिन्यू वही रोड से आ रहे हम लोग अभी, जो रोड मेन हाईवे छोड़ा था तब से। तो अभी बज रहे 8 और 8 बजे एग्जैक्ट अपन पहुंच गए, आप देख सकते हो ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर का ये बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे, आपका स्वागत है ओमकारेश्वर में। अभी मॉर्निंग का 8 बज रहे, पहले रूम वगैरह देख लेते, रूम करते पहले तो, क्योंकि कैसे ना पहले रूम करने के बाद ही फिर फ्रेश वगैरह होके फिर दर्शन करने जाएंगे, ऐसे दर्शन करना तो फ्रेश नहीं हुआ कुछ, तो अभी देखते कैसा रहेगा यहाँ पे ना, फ्रेश होते फिर देखते। कितना? 30 रुपये। 30 चिल्लर है क्या? 30 रुपये समोर, चिल्लर में 30 रुपये है। तो यहाँ एंट्री 30-30 रुपीज़ की यहाँ पे एंट्री है। चिट्ठी, ये राइट हैंड साइड वाला जो दिख रहा है ना, ये है मेन एंट्रेंस ओमकारेश्वर मंदिर का। बंद है करे? हाँ तो बंद है। ये मेन एंट्री है जो अपन अभी मंदिर के लिए जाते हैं ना, तो ये मेन रास्ता है मंदिर जाने के लिए।